गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह मैंने ये नाश्ता कर लिया, इडली एक भैया ने ला के दिया था। फिर मैं नीचे गई, इसके पापा नीचे काम कर रहे हैं, रस्सी लगा रहे हैं क्योंकि मुझे कपड़ा देने के लिए जगह नहीं मिलता था। फिर मैं ऊपर आई और मैं सब्जी बना लिया। फिर यहाँ पे मछली डाल के, पानी डाल के मैंने ढक्कन लगा के रख दूंगी, उबाल आएगा इसका, फिर ये तो हो जाएगा। इसके बाद मैं चिकन का मैं मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दूंगी। फिर उसके पापा आंवला लाए थे तो उसको मैं धो के ऐसे थाली में रख रही हूँ। और यहाँ पे देखो कितना सारा कपड़ा है, गर्म पानी भी बिताया हुआ है। अगर इसके पापा नहीं उठता तो मैं ये सब कर लेती, पर ये तो उठ गए तो इसको लेके मैं बाहर आ गई। और बाहर का नजारा ये देख रहा है। फिर इसके बाद मैं इसको लेके गई अंदर। मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन कट कर लूँगी और ये बिस्तर पे खेल रहा है। उसके बाद मैं इसको नहलाई, मैं नहाई, फिर घर का तो पोछा वोछा लगा कर सब काम करके फिर हम दोनों, मैं और पापा निकल गए प्रोग्राम में जाने के लिए। बहुत धूप है देखो, और उसके पापा भी पीछे पीछे आ रहे हैं, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। फिर अभी हम पहुंच गए प्रोग्राम में और इसके पापा देखो मुझे हाथ कैसे पकड़ रखे हैं ताकि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। फिर देखो देख रहे हैं कि लोग निकल के आ रहे हैं, तो सोचा कि अरे लोग क्यों निकल के आ रहे हैं, ख़त्म होने वाला है क्या। फिर सोचा नहीं नहीं लोग जा भी तो रहे हैं। फिर ऐसे सोच सोच के मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद तो देखा नहीं, बहुत सारे लोग हैं अभी भी। फिर हम गए आइसक्रीम के दुकान पे। जाने के बाद इसके पापा ने आइसक्रीम लिया तो इसके मुँह पे दे रहे, तो पापा नहीं खा रहा था, इसका अच्छा नहीं लगा, ऐसे मुँह बना रहा था। फिर मुझे भी एक दिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं भी नहीं खाई। फिर हम चल पड़े ऐसे ही, चलो ये पूरा राउंड मारते हैं बोल के। तो यहाँ पे मोमोज, बिरयानी, छोले भटूरे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे पानी पूरी भी मिलता है। तो खाने के लिए जाने वाली थी, पर एक दीदी ने बोला कि यहाँ पे मत जाओ, एक खाओगे तो दूसरा मिलने तक तो आपका गला ही सूख जाएगा। फिर हम लोग जरूर नहीं खाते, ठीक है चलो। फिर वहाँ पे मैजिक शो हो रहा था तो हम निकल पड़े मैजिक शो देखने के लिए और सोचा कि पूरा राउंड भी मार देंगे। फिर इस तरफ जाते टाइम यह देखा कि यहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि नहीं, अभी फोटो नहीं खींचते, मैजिक शो देखते हैं, बाद में खींचना है तो खींच लेंगे। उसके बाद गई तो ये देखो मैजिक शो में कैसा चल रहा है। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और ये मुंह से पेपर निकाल रहा है, बहुत बहुत सारा पेपर निकलता है, पता नहीं कैसे करते हैं म्यूजिक। तो ठीक है, म्यूजिक है तो करेगा ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं दीदी दिख गई, तो दीदी आई तो उनके साथ हम लोगों ने फोटो खींच लिया। सोचा कि एक फ़ोटो खींचते हैं तो उनके साथ एक फ़ोटो खींचा। तो इनका ये लड़का है और एक लड़की है, तो हम चारों ने फ़ोटो खींचा। उसके बाद उसके पापा आए तो उनको लेके एक सेल्फी भी खींच लिया था। फिर उसके बाद दीदी ने बोला कि उस साइड में हॉर्स राइडिंग हो रहा है, हम लोग हॉर्स राइडिंग हो रहा था तो वहाँ पे चल पड़े, जा रहे थे, देख रहे थे कैसे लोग चल रहे हैं, देख देख के जा रही हूँ। वहाँ पे जाने के बाद टोकन भी लेना पड़ता है, तो गई, जाने के बाद टोकन लिया। और मुझे तो नहीं चढ़ना था, मैं डर रही थी, तो उसके पापा को बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे नहीं चढ़ना। लेकिन उसके पापा कहाँ मानने वाले हैं, उनका भी जीद है, नहीं चलो कुछ नहीं होगा, सब लोग बच्चे लोग चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चल रहे, ऐसे बोल के मुझे उठाया। तो फिर मैं तो चलिए, उठने के पहले फास्ट में थोड़ा डर लगा, बाद में तो डर नहीं लगा, अच्छा ही लगा। फिर तो मैं ऐसे कुछ नहीं, बस ऐसे राउंड मारते हैं। और बोला, उसके पापा ने बोला था कि पापा को लेना है, मैंने बोला नहीं नहीं अगर मैं गिर गई तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं संभाल पाऊँगी, अचानक से गिर गया तो क्या करूँगी। फिर
फिर मैं आने के बाद ये बोल रही हूँ कि मैं कैसे उतरूंगी, तो ये बोल रहे कि हम आपके हस्बैंड उतार देंगे। फिर उसके बाद पापा ने इसको लेके उठे, घोड़े पे उठे, तो ये भी एक राउंड लगाएंगे। तो राउंड लगाने के बाद ये आ जाते हैं। तो मैं फोटो खींचने वाली थी, पर पापा को दे दिया, मेरे पास तो नहीं खींच पाई। फिर उसके बाद हम निकल पड़े, जा रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चे लोग खेल भी रहे थे, और यहाँ पे देखा कि कुछ मतलब यहाँ पे मतलब टारगेट लगा के और जो बैलून दिख रहे हैं ना उसी को मार रहे हैं। तो उसके पापा ने बोला कि मारोगे क्या? मैंने बोला नहीं, ये बहुत मैंने किया है। हमारे वहाँ पे गांव मतलब सिलचर में ऐसे हो, ये सब मैंने किया है। फिर आए यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लाकी नंबर और रिंग टॉस ऐसे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आए हैं, तो इसके पापा बोल रहे हैं कि खेलना है क्या? तो मैंने बोला नहीं। फिर देखो कैसे खेलते हैं, ये रिंग लेके और जो नीचे दिख रहा है ना चॉकलेट वगैरह सामान रखा हुआ है उसके ऊपर में डालेंगे, तो जिसके ऊपर में गिरेगा वो ही मिल जाएगा। इसको तो ये मिल ही गया, तो ये करके चिल्ला रहा था, खुश हो रहा था। फिर इसके बाद इसके पापा बोलते हैं चलो यहाँ पे एक ट्राई करते हैं, ये जो रिंग दिख रहा है ना ये, तो इसको इस बोतल में घुसाना है। वो किसी ने भी नहीं कर पाया, बहुत टाइम से मैं देख रही थी यहाँ पे। फिर हम लोग गए, चल के जाने के बाद यहाँ पे बच्चे लोगों का खेल है, यहाँ पे खेल रहे बच्चे लोग। हम लोग जा रहे धीरे धीरे, सब कुछ देख के आप लोगों को दिखा के, तो आप लोग साथ में बने रहना ठीक है। फिर मुझे दिखा एक जो गैस बलून होता है ना वही यहाँ पे बना रहे, तो मुझे वो चाहिए था मेरे पापा के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, तो एक चीज़ आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सांता क्लॉज को दिखाएंगे आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे सांता क्लॉज बेच रहे हैं। सांता क्लॉज ऐसे तो सांता क्लॉज गिफ्ट देते हैं, पर ये इसको पैसा चाहिए, पैसे से दे रहा है। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हुई है, बना रहा है। तो पूरा ग्राउंड आपको ऐसे दिखाती हूँ, पूरा राउंड करके है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था तो यहाँ पे लोग बैठे हैं। फिर हम निकल पड़े जाने के लिए, चले जा रहे, बहुत धूप भी था। फिर जाते जाते सोच रहे थे कि यहाँ पे जाने के बाद गेट पे थोड़ा फोटो भी खींच लेंगे। फिर फोटो वोटो खींच के हम निकल पड़े। मैं तो जा रही हूँ उस दीदी के साथ, और पापा, मेरे पापा और उस पापा के पापा दोनों पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर अभी रात हो गया है, तो हम दीदी के घर में आ गए हैं। उनके घर में हम दोनों का इनवाइट था, तो ये देखो कितना सारा बनाए, केक भी लाए हैं, खाना भी खाए। फिर बाद बहुत रात हो गया, 12 बजने के बाद ही आई हूँ। तो ठीक है गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।